दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे JDS और LJU के बीच होने वाले आज के पहले T10 मैच के बारे में। तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। ये गेम तीनों सेक्शन पे डिपेंड है, बैटिंग में भी, ऑलराउंडर में भी और बॉलिंग में भी। सही सिलेक्शन मैच की विनिंग। अब आपको किसको लेना है बस वहीं पर गेम डिपेंड होगा। तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। कोशिश रही कि स्मॉल लीग ही नहीं बल्कि ग्रैंड लीग में भी एक अच्छी रैंक लाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो भी यूजर नए हो पुराने हो कोई मैटर नहीं रखता है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस मिल जाए। और जो कल का गिव अवे का रैंडम कमेंट था, यू आर लक्की भाई, तो भाई आप मेरे से भी लक्की हो, आप 500 रुपये फ्री में विन कर गए हो। और आपको बताना चाहूँगा इस मैच में भी आपके लिए जो है 2000 रुपये का फ्री गिव अवे रहने वाला है, जो कि मैं आपके लिए रोज़ाना करवाता हूँ। बट ये बात आपको ध्यान रहे कि गिव अवे किन के लिए होगा, जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो ताकि गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर पाओ और आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल जाए, ठीक है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, जहाँ पर आप ही की तरह लगभग 1,63,000 से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ज्वाइन क्यों होना है, दो रीज़न है। एक तो फाइनल बैटिंग ऑर्डर जो आएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा, और उसके आने के बाद जो फाइनल टीम होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी मैं आपको जो टीम दिखाऊंगा वो केवल डेमो टीम होगी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किन प्लेयरों को टीम में इंक्लूड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं JDS टीम के बारे में, जो कि LJU से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6 मैचेस खेलिए, 5 मैच विन किए, 1 मैच ये टीम हारी है, और लगातार लास्ट के तीनों मैचेस ये बंदी विन करके आ रही है, यानी कि JDS लास्ट के तीनों मैचेस लगातार विन करके आ रही है। अब बात करता हूँ मैं LJU की, तो LJU के 6 मैचेस हुए हैं टोटली सेम इनकी तरह, लेकिन इनकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है इनसे, वैसे तो अच्छी है। 3 मैचेस विन किए, 3 मैच हारी है। अब हम चलते दोनों टीमों में जो प्लेयरों का बैटिंग ऑर्डर है। वैसे तो देखो मैं आपको बता दूँ, बैटिंग ऑर्डर का तो आप मतलब ऐसा मान लो कि फिक्स है ही नहीं, क्योंकि हर बार बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, स्पेशली JDS की टीम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है तो कब जो इनके एक्सपेरिमेंट है वो चलते रहते हैं। कभी बॉलिंग किसी को नहीं मिलती है, कभी दो दो और मिल जाती है। तो एक्सपेरिमेंट वाली टीम है, इन्वेस्टमेंट कम करके चलना। मैं पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं, मैं खुद कम इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा कि भाई हारूंगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हाँ भाई कुछ हारा भी हूं, ठीक है। कम इन्वेस्टमेंट करके आपको चलना है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे मैचेस आने वाले हैं। आज ही 2-3 अच्छे मैचेस है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है। रीजन क्या है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैचेस चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट में भाई कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना वो कुछ कर सकते, क्योंकि वो अपना काम अपनी तरीके से कर रहे हैं। तो आप भी अपना काम इन्वेस्टमेंट कम करके अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां से दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर वगैरह बता देता हूं, बट इससे एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। JDS की टीम जो है LJU से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आपको 6-5 का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, यानी 6 प्लेयर JDS और 5 प्लेयर आपको LJU के लेना है। तो बैटिंग ऑर्डर हम लास्ट मैच के बेसिस पे देखेंगे, जो इन दोनों टीमों ने लास्ट मैच खेला है। बट एक बार ध्यान रहे, फाइनल बैटिंग ऑर्डर टॉस के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो कि आफ्टर टॉस मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रहे, पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, लास्ट के जो 3-4 मैचेस हुए उसमें आपने देखा होगा, अगर तरीके से फॉलो करते हो T10 के मैचेस को, तो एक अच्छी खासी बैटिंग हो रही है और दोनों टीमों में अच्छे खासे बैट्समैन भी है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आओगे LJU में, तो LJU में भी आप देखोगे जो शोएब सिद्दीकी हो गए, अकील मिर्जा हो गए, और एस अरशद नाम से एक प्लेयर है, ये प्लेयर हो गया, ओवैस इकराम तो कर नहीं रहा है बैटिंग, दिनेश माटला हो गए। तो मतलब आप ये मान सकते हो कि एक अच्छी बैटिंग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बहुत हाई चांसेस है बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगे। आप देख सकते हो आयुष पांडे अकील मिर्जा के साथ ओपन किया, जबकि ऐसा होता नहीं है। मोस्टली जो ओपन करेंगे वो करेंगे शोएब सिद्दीकी, और ये ओपन करेगा जो दिनेश माटला है इनके साथ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो भाई बंदे की बैटिंग ही नहीं आई थी, इसलिए मैंने कहा है कि एक्सपेरिमेंट मोड चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कम करके चलना, ठीक है। नॉर्मली देखोगे दिनेश माटला और शोएब सिद्दीकी ओपन करेंगे। अच्छा मैं आपको इससे जो पिछला वाला मैच है ना उसका दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा इससे। सो गाइस देखो यहाँ पर आप देखिए, ये मोस्टली सही बैटिंग ऑर्डर है, और जो भी चेंजेस होंगे वो आफ्टर टॉस सबसे पहले मैं आपको बता ही दूंगा। शोएब सिद्दीकी, दिनेश माटला ओपन करेंगे, 1 डाउन आएंगे अकील मिर्जा, 2nd डाउन आएंगे शाहिद अरशद, फिर आयुष पांडे, ओवैस इकराम, फिर डब्लू खान, ओराज, एन उजावे, आर जहूर, टी फजलार, ये इनकी मोस्टली प्लेइंग 11 भी रहेगी। चेंजेस जो होंगे वो आफ्टर टॉस मिल ही जाएंगे, और ये इनका बैटिंग ऑर्डर भी रहेगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, पहले नंबर पर यहाँ पर नाम लूंगा शोएब सिद्दीकी का, 2nd नंबर पर अकील मिर्जा का, आयुष पांडे का, शाहिद अरशद का, ओराज का और उजावे का, ये 6 प्लेयर इनकी साइड से इंपॉर्टेंट है। माटला इंपॉर्टेंट तभी है जब ओपन करे, ओपन नहीं करे फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे पास बैटिंग सेक्शन में अवेलेबल है, जो कि इनको ड्रॉप करके हम अदर साइड से जो प्लेयर है उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इनके LJU के बैट्समैन के बैटिंग ऑर्डर और लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की। बॉलिंग की बात आती है, ओमराज 2 ओवर में 2 विकेट,
तोमज पजलार 2 रन में 2 विकेट। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो तोमज पजलार ये इनका मेन बॉलर नहीं है, इनके मेन बॉलर नीलेश है, ओम राज है, शोएब सिद्दीकी है, आयुष पांडे और एक और अकील मिर्जा जिसने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की थी। ये वही बात बोला हूँ ना मैं आपको, 2 बार बोल चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंट मोड चल रहा है तो ये कुछ भी करवा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉलर में ओम राज है और उजावे है, सिद्दीकी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सामने वाली टीम जो है ना जेडेएस की टीम है और जेडेएस में डेनियल लिजार्डिस जैसे ऐसे खतरनाक प्लेयर हैं जो कि ओमराज जैसे कि बॉलिंग को बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है क्योंकि कई लोग रिस्क लेने वाले होंगे। ठीक है, इसमें रिस्क काफ़ी लोग लेके आएंगे ओमराज को लेके। ओमराज का सिलेक्शन 36% है, आप चाहो रिस्क ले सकते हो, लेकिन आज के इस मैच में ओमराज जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि सामने जो प्लेयर है डेनियल लिजार्डिस है, पीटर अमान है, लाइकली अगर आप देखोगे ए शुक्ला नाम से प्लेयर है ये रहा, तो ये अच्छे प्लेयर है जो ओमराज जैसे कि बॉलिंग को फ्लॉप करवा सकते हैं। इसलिए आपको जो बॉलर्स को पिक करना है, देखो ये नीलेश उजावे का तो फिक्स है, इसको तो लेना ही लेना है, और ये सुरेश का भी आप फिक्स मान के चलो, यू अम्मात का भी। सुरेश की थोड़ी सी मुझे दिक्कत ये लगती है कि जब मैं इस बंदे को लेता हूँ तो ये बॉलिंग नहीं करवाता है, और जब मैं ले लेता हूँ, सॉरी जब मैं नहीं लेता हूँ ना तब तो ये बॉलिंग करवाता है और विकेट भी ले लेता है, और जब मैं ले लेता हूँ तो ये बॉलिंग ही नहीं करवाता। ये मेरे लिए थोड़ा सा अभिशाप वाला बंदा है, पता नहीं क्यों क्या ही चाहता है ये। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं भी लूँगा क्योंकि दिन का पहला मैच है और मेन बॉलर है तो मोस्टली बॉलिंग करेगा। ठीक है, हम चलते हैं बिल्कुल सही तरीके में। तो ये तो क्योंकि एलजेयू की बात थी ना, एलजेयू का सारा डाटा ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर है या आपको इनके जो मैच हुआ था उसी से पता लग रहा है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रहे, आयुष पांडे का परफॉर्मेंस आपने नहीं देखा होगा यहाँ पर भी और बॉलिंग साइड में भी, लेकिन आयुष पांडे एक बहुत अच्छे प्लेयर है। देखो बॉलिंग से पता लगा रहे हो और बैटिंग में भी अभी लास्ट मैच में दिखाया मैंने, ओपन किया था, तो इंपॉर्टेंट पिक है ये, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड टीम की तरफ चलते हैं जो कि जेडएस की टीम है। सो गाइस देखो जेडएस का लास्ट मैच ये था, इसमें भी आप देख रहे हो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हुए हैं। उल्ला अहमद जो कि बॉलर है जय ठाकुर के साथ ओपन किए, बट मोस्टली ऐसा नहीं दिखेगा आपको। अब जो नॉर्मली सही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हर मैच में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट गलती से भी मत कर देना, क्लियर कह रहा हूँ। ठीक है, और करोगे तो भाई आप खुद नुकसान झेलोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि मेरी साइड से आपको बेस्ट ही मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये लास्ट मैच है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसीलिए इसको छोड़ के हम इस मैच में आ जाते हैं। पीटर जो एम शेख है ओपन करेंगे मोस्टली पीटर अमान के साथ, वन डाउन आएंगे डेनियल लिजार्डिस, फिर उसके बाद वसल कमाल, अमन माहेश्वरी। हाँ, एक चीज यहाँ पर भी पॉसिबल है और वो ये कि जो ये ए शुक्ला ही ओपन भी कर सकते हैं शेखत की जगह पर, क्योंकि जो शेखत है ना वो सेकेंड लास्ट मैच में नहीं खेले थे, और शेखत खेलते तो फिर शेखत क्या है मोस्टली ओपन कर रहे हैं और हो सकता है कर भी ले। शुक्ला इंपॉर्टेंट तभी है जब बॉलिंग कराएं, वरना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अकील मिर्जा रहेगा, और मैं रिस्क भी लेने वाला हूँ क्योंकि शुक्ला का आपको क्लियर पता, देखो फिक्स नहीं है शुक्ला बॉलिंग करेगा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अकील मिर्जा बैटिंग भी वन डाउन सेकंड डाउन करने आ जाएगा, ओपन भी कर सकता है और प्लस में 2 ओवर भी करेगा, मोस्टली दिन का पहला मैच है तो करना भी चाहिए। तो ये एक छोटा सा रिस्क प्लेयर है, मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू में रिस्क ले लिया। ठीक है, जो ए शुक्ला है ये इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही केस में जब ये बॉलिंग करवाए, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, थोड़ा सा रिस्की प्लेयर रहेगा मेरा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि भाई ऐसे ही प्लेयर को ले लिया। ठीक है, जेडएस में आप देखोगे डेनियल लिजार्डिस वन डाउन आके, और दोनों ही मैच में भाई बंदे ने बहुत तगड़ी इनिंग खेली थी। और ये तो हो गया बैटिंग से, बॉलिंग में अगर आप लोग देखोगे बॉलिंग में शुक्ला ने बॉलिंग की 1 विकेट लिया। ठीक है, ये था इनका पहला मैच। ठीक है, इससे जो अगला मैच था ना उसमें शुक्ला ने बॉलिंग भी नहीं की थी और शुक्ला को विकेट भी नहीं मिला था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो इनका पहला मैच था जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। सुरेश को 1 विकेट मिला, देखो सुरेश ने इस मैच में बॉलिंग की, इसमें मैंने नहीं लिया था। ठीक है, अब इसके जो अगला मैच था ये रहा। ठीक है, जेडएस का जो अगला मैच था तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो अर्पित शुक्ला ने कोई बॉलिंग नहीं की और सुरेश ने भी कोई ओवर बॉलिंग नहीं की। हाँ, बाकी एक चीज़ क्लियर है, पीटर अमान भाई बंदा हर मैच में बॉलिंग करवा रहा है, तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको उठाना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर था। बॉलिंग में अगर आप देखोगे मेन बॉलरों पे ध्यान देना है, मेन में पहले नंबर पे सुरेश रहेगा जो मोस्टली अच्छा और मेन बॉलर है और बॉलिंग भी करेगा। क्रिस्टोफर ऑसबोर्न रहेंगे जो दोनों ही मैच में 2-2 ओवर बॉलिंग की और दोनों ही मैच में 1-1 विकेट निकाला। तीसरे नंबर पे शेखत रहेगा अगर खेलते तो, और बाकी किसी का फिक्स नहीं है कौन कितने ओवर करेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना, उल्ला अहमद भी अच्छा बॉलर है, ये भी मोस्टली 1-2 ओवर करेगा ही करेगा। ठीक है, शेखत का मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो ये हो गया इनका बॉलिंग अटैक भी। अब ठीक है, चलिए अब हम अपनी टीम को देखते हैं जो स्मॉल लीग में हम यूज करेंगे। तो गाइस देखो एक चीज ध्यान रहे, थोड़ी सी मेरी रिस्की टीम है, वैसे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैं, क्योंकि स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट कम ही रहेगा तो या तो मैं वन साइडेड विक्ट्री करूंगा, ऐसी टीम दे रहा हूं मैं आपको। 2 टीम दे रहा हूं, एक तो सेफ टीम जो बिल्कुल सेफ है जो आप खुद बना सकते हो, लेकिन फिर आपने टाइम वेस्ट किया टीम वीडियो देखने का, फिर वो आपका कोई फायदा नहीं होगा।
तो दोनों टीमें दे रहा हूँ सेफ भी और थोड़ी सी लिटिल बिट रिस्की भी, जो मैटर आप लगता हो कि भाई मैं रिस्की के साथ जाऊँगा रिस्की के साथ चले जाओ, जिनको लगता है कि मैं सेफ के साथ ही जाऊँगा तो वो सेफ के साथ चले जाओ, लेकिन सेफ के साथ जीतने के चांसेस कम है, हारने के चांस ज़्यादा है। चलिए मैं आपको टीम दिखा देता हूँ, बट उससे पहले याद दिला दूँ इस मैच के अंदर आपके लिए फैंटाफिट पे 2000 रुपये का गिव अवे रहने वाला है, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गिव अवे रोज़ाना होता है भाई, पता हो आपको होना चाहिए अगर आप लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों ऐप का, शोर 11 का भी फेंटा का भी, लेकिन गिव अवे फेंटा पे मिलेगा 2000 का। चलिए अब यहाँ से मैं आपको टीम दिखा रहा हूँ जो इस मैच के लिए स्मॉल लीग में मैं यूज करूंगा। ध्यान रहे यार चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर ले, फाइनल टीम आपको टॉस के अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पे बैटिंग ऑर्डर आने के बाद मिल जाएगी। तो टीम क्या है वो देख लो। तो गाइस देखो ये बिल्कुल सेफ टीम है, इसमें मतलब कोई भी रिस्क नहीं है, ये ऐसी टीम है जो आप लोग आँख बंद करके बना सकते हो, ठीक है। बट मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा, मेरी जो टीम है थोड़ी सी रिस्की टीम है और वो टीम क्या है वो भी दिखा देता हूँ। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, जेडएस की टीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसीलिए विकेट कीपर सेक्शन जो बनता है वो वकार खान का ही बनता है, क्योंकि जेडएस बॉलिंग करेगी ना उस केस में वकार खान की बैटिंग आ जाएगी और फिर बैटिंग आने पर वकार खान इससे जो एन गॉर्नर इससे ज़्यादा ही पॉइंट देगा। तो एक सेक्शन तो यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया कि हमें डब्लू खान के साथ जाना है, हालांकि अगर वी बामर जैसे प्लेयर खेलते तो फिर ये ओपनर प्लेयर है, फिर तो चेंज करना ही पड़ेगा, अभी रिसेंटली डब्लू खान को पिक करना है, ठीक है, ये थोड़ी सी रिस्की टीम है, ध्यान रहे। और एक प्लेयर पर रिस्क नहीं लिया है मैंने, दो प्लेयरों पर लिया, और कभी भी एक पे मैं लेता भी नहीं हूँ क्योंकि एक तो बंदा फ्लॉप हो सकता है, दो होंगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब रिस्क हो जाएगा, और बाकी दो कभी भी फ्लॉप होते नहीं है, ये ध्यान रहे आपको। डेनियल हजारडिस, अमन माहेश्वरी और एस अर्शद, इन तीनों को बैटिंग से फिक्स कर लेना है। ऑलराउंडर सेक्शन से अकील मिर्जा, जो कि ऑलरेडी मैं आपके वीडियो के साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पर देखोगे ये तीन चार ऑलराउंडरों को पिक किया है, जिसमें पीटर अमान जेडेस की साइड से और तीन ऑलराउंडर एलजेयू की साइड से हैं। बॉलिंग में वही फिक्स है, यहां से यू अम्माद की जगह पर आप लोग अगर रिस्क ले सकते हो, आपको लगता हो कि यार मैं रिस्क ले सकता हूं, यहां पर फिर आप चले जाओ और आज के साथ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डेनियल हजारडिस जो है ना इनके ओवर्स को खराब कर सकता है, क्योंकि हजारडिस किसी से भी आउट होता नहीं है और आउट होगा तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी विनिंग की, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा रिस्क है अगर आप लोग और भी हाई रिस्क ले सकते हो तो, ठीक है। बाकी मैंने अकील मिर्जा और जो विकेट कीपर इन पे ही रिस्क लिया है, क्योंकि ज्यादा रिस्क हमेशा ही टीम को डैमेज करता है। तो ये मेरी टीम है, इसमें जो चेंजेस होंगे आफ्टर टॉस मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, हो सकता है मैं कैप्टन वाइस कैप्टन ना दूं, तो तीन जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है डेनियल हजारडिस से सिद्दीकी और पीटर अरमान, इन तीन के अलावा कोई भी बेटर ऑप्शन है नहीं, जो आपको सही लगे ना, आपको लगे कि भाई डेनियल हजारडिस अच्छे रहेंगे इस मैच में भी तो हजारडिस को बना दो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे ही साथ जाओ, यहां से ऑलरेडी जो पीटर अरमान की टीम है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सिद्दीकी हो सकता है बैटिंग से फ्लॉप हो जाए तो बॉलिंग से तो लगभग होना इनका फ्लॉप है, क्योंकि बॉलिंग में इनकी बॉलिंग जब आएगी तो सामने वाली टीम के बैट्समैनों को देखो, ठीक है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो हजारडिस को वीसी सिद्दीकी, क्योंकि सबका कैप्टन आएगा और हमने वीसी बना रखा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो अगर और रिस्क लेना चाहते हो तो, ठीक है। डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हो, कैप्टन तो अमान को करना ही है, वीसी हजारडिस कर दो इसकी जगह पर, क्योंकि हमने यहाँ से इनके दोनों बॉलर को लिया है जो कि इनको आउट कर सकते हैं, और दोनों के दोनों पावर प्ले के बॉलर है और दोनों ने विकेट लिया तो सुरेश ये जो शोएब सिद्दीकी इसका फ्लॉप होना भी लगभग तय है। तो ये वही बात है यार, अगर रिस्क ले लोगे तो काम बन जाएगा, नहीं लोगे तो जो बंदे सेफ जा रहे हैं उनके साथ जा सकते हो, हालांकि फिर भी मैंने आपको एक ऐसी डिफरेंशियल टीम दी है जो आपको अदर टीमों से अलग ही मिलेगी, ठीक है। बाकी आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मैं आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो जैसे ही फाइनल बैटिंग ऑर्डर आ जाता है उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा, ठीक है। सेम टीम मेरी फैंटाफिट की रहेगी, सेम टीम मेरी शोर 11 की रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा, दोनों एप्लीकेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उम्मीद रहेगी मैच हमारे लिए अच्छा जाए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।